फ्रेंड्स, बहुत सारे नए राइटर्स मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि एक साइंस फिक्शन मूवी कैसे लिखी जाए। तो आज के वीडियो जो है वो इसी टॉपिक पर बेस्ड है। मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप एक साइंस फिक्शन फिल्म को लिखना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, कैसे आप एक साइंस फिक्शन फिल्म लिख सकते हैं ताकि कोई भी आपकी फिल्म को देख करके ये ना कहे कि ये एक किसी नए राइटर ने लिखा है या फिर किसी ऐसे इंसान ने लिखा है जिसे साइंस की नॉलेज नहीं है। तो अगर आप इसके बारे में पूरा डिटेल से जानना चाहते हैं तो आप पूरा देखिए वीडियो को लास्ट तक। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश रजक और आप देख रहे हैं आरएस फिल्म्स प्रोडक्शंस। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इंस्टाग्राम पर मैं शॉर्ट वीडियोज डालता रहता हूं जो फिल्म मेकिंग से रिलेटेड होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कीजिए। फॉलो करने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक फिल्म लिखना चाहते हैं जो साइंस बेस्ड है यानी जो साइंस फिक्शन फिल्म होगी, तो आपको क्या क्या चीज़ें जान लेनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको साइंस की नॉलेज होनी चाहिए, यानी आपको आपने थोड़ा बहुत कम से कम साइंस पढ़ा हो ताकि आप उन फैक्ट्स को, जो चीज़ें आप जो वहाँ पर दिखा रहे हैं या फिर जिस टॉपिक पर आप लिख रहे हैं उसके बारे में आप अच्छे से लिख पाए। तो सबसे पहले तो आपको साइंस की नॉलेज इस पर होनी चाहिए। अब अगर आप एक साइंस बेस्ड फिल्म लिख रहे हैं तो आपको उस टॉपिक पर बहुत ही गहरे से रिसर्च करना है। आपने कोई भी टॉपिक चुना हो, कोई भी साइंस का टॉपिक आपने चुना है, उसमें आपको बहुत ही गहरा रिसर्च करना है। जैसे मान लीजिए कि आपने चुना है कि पेड़ जो है वो जो लोग काट देते हैं पेड़ को, डिफॉरेस्टेशन हो जाता है, या फिर आप ऐसा टॉपिक चुनते हैं कि प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज विल सेव द एनवायरमेंट। तो ये इस तरह का अगर टॉपिक चुनते हैं तो आपको उसके ऊपर रिसर्च करनी होगी कि आखिर क्या क्या चीज़ें इसमें मैं डाल सकता हूँ, क्या क्या साइंटिफिक फैक्ट्स इसमें मैं ला सकता हूँ। तो उस पूरे टॉपिक पर आपको बहुत ही गहरी रिसर्च करनी होगी। वो रिसर्च आप कैसे कर सकते हैं, बहुत सारे साइंस बुक्स का आप हेल्प ले सकते हैं, फिर आप इंटरनेट का सहारा ले सकते हैं, आप ऑनलाइन नॉलेज ले सकते हैं। तो पूरी नॉलेज लेने के बाद अगर आप एक साइंस बेस्ड फिल्म लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आजकल जो ऑडियंस है वो स्मार्ट होती है। आप कुछ भी बता देंगे तो वो लोग एक्सेप्ट नहीं कर लेंगे, यानी जो थियोरेटिकली सही नहीं है अगर आप वो कुछ लिख देते हैं अपने फिल्म में और डायरेक्टर उसे बना भी देता है तो फिर आप प्रॉब्लम में फंस सकते हैं, आप ऑडियंस जो है उस बात को मानेगी नहीं। तो इसीलिए अगर आप कोई साइंस बेस्ड फिल्म बना रहे हैं तो उससे थियोरेटिकली सही होना पड़ेगा, आप वो थ्योरी वाइज सही होना चाहिए, नहीं तो फिर आपको आगे चल के प्रॉब्लम हो सकती है, वो फिल्म जो है वो अटक भी सकती है। लेकिन देखिए, ज़्यादातर साइंस बेस्ड फिल्मों के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि आप फिल्म के स्टार्टिंग में लिखते हैं कि ये काल्पनिक फिल्म है। जैसे एलियंस की ही अगर फिल्म है तो एलियंस किस तरह के से हो सकते हैं, वो कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, कैसा उनका बॉडी स्ट्रक्चर्स हो सकता है, या फिर उनके पास क्या क्या साधन हो सकते हैं, क्या क्या इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, साइंस वहाँ पर कितना डेवलप हो सकता है। तो ये सभी चीज़ आपको सोचनी होगी, आपको थोड़ा रिसर्च करना होगा कि हाँ कैसा कैसा इसमें हो सकता है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़ने होंगे, बहुत सारे पोस्ट पढ़ने होंगे, तब जाकर के आपको उस टॉपिक पर नॉलेज होगी और आप उसके बेसिस पर स्क्रिप्ट को लिख पाएंगे। अब जैसे आप साइंस बेस्ड फिल्म लिख रहे हैं तो साइंस बेस्ड फिल्म लिखते समय आपको एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है कि आपको साइंस का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको ये नहीं कि आप कुछ भी चीज़ दिखा रहे तो उसमें लॉजिक ना दिखाएं, आपको उसमें लॉजिक दिखाना है। जो भी चीज़ आप वहाँ पर दिखा रहे हैं, कुछ भी चीज़ की स्क्रीन प्ले लिख रहे हैं, तो आपको उसमें लॉजिक दिखाना है जो बिल्कुल साइंटिफिकली हो। कोई भी चीज़ आप वहाँ पर दिखा रहे हैं तो वो साइंटिफिकली आपको उसका एक्सप्लेनेशन देना है। सपोज़ आप वहाँ पर कोई भूत ही दिखा रहा है, तो भूत ही अगर आप दिखा रहे हैं तो आपको वहाँ पर भूत नहीं दिखा कर आपको वहाँ पर साइंटिफिक कुछ एक्सप्लेनेशन देना होगा, तब वो साइंस बेस्ड फिल्म होगी। यानी साइंस बेस्ड फिल्म लिखने के लिए आपको पूरी टोटल साइंटिफिक माइंड से चलना होगा। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और बता दूँ कि आप कुछ इंस्टीट्यूट्स का सहारा ले सकते हैं, जो साइंस इंस्टीट्यूट्स होती हैं उनका सहारा आप ले सकते हैं, आप किसी साइंटिस्ट को अप्रोच कर सकते हैं इसके बारे में, और ज़्यादा गहरी जानकारी लेने के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं किसी साइंटिस्ट के पास, और उनसे आप नोट्स बना करके ले सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक पर क्या क्या आपको और ज़्यादा जानकारी चाहिए। तो ये सभी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी साइंस बेस्ड फिल्म जो है वो बहुत ही अच्छी बनेगी। और ये सभी नॉलेज को मिला करके आप क्या कीजिएगा, आप अपने स्क्रिप्ट में डाल दीजिएगा और उस पर एक अच्छी सी कहानी रच दीजिएगा। तो अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आपकी जो साइंस फिक्शन फिल्म है वो बहुत ही अच्छी बनेगी और लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि आपको साइंस की नॉलेज नहीं है। भले आपको नॉलेज हो या नहीं हो वो बात की बात है, लेकिन ये जाहिर सी बात है कि एक राइटर है तो उसे राइटिंग के बारे में ज़्यादा नॉलेज होगी और साइंस के बारे में कम होगी, होगी लेकिन कम होगी, जैसा कि एक साइंटिस्ट को होती है उससे कम होगी। तो अगर आप इन रिसर्चर्स को करके चलेंगे तो फिर आप बहुत ही अच्छी साइंस बेस्ड फिल्म लिख पाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आ गई होंगी। तो जल्दी से कर दीजिए वीडियो को लाइक और शेयर। फिर मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आप प्रोफेशनल तरीके से स्क्रीन प्ले राइटिंग सीखना चाहते हैं तो
आप फिल्म राइटर डायरेक्टर आकाश रजक द्वारा लिखी गई इस पुस्तक को जरूर पढ़ें। इस पुस्तक का नाम है कॉन्सेप्ट से स्क्रीनप्ले तक का सफर। इस पुस्तक में आपको कॉन्सेप्ट, वन लाइनर स्टोरी, स्टोरी, स्क्रीनप्ले कैसे लिखी जाती है ये बताया गया है और सबके सैंपल्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा इसमें बहुत सारे टॉपिक्स भी दिए गए हैं जो एक राइटर के लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। स्क्रिप्ट राइटिंग के अलावा एक राइटर को स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन की भी पूरी जानकारी होनी चाहिए। स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन पर भी एक बुक है जिसका नाम है A to Z स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन। इस बुक में सभी तरह के स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन को विस्तार से बताया गया है, जैसे फेड इन, फेड आउट, डिजॉल्व टू, इंटरकट, जंप कट आदि। स्क्रिप्ट राइटिंग और स्क्रीन प्ले ट्रांजिशन दोनों ही बुक खरीदने के लिए लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप इन दोनों बुक्स को जरूर खरीद कर पढ़ें। दोनों ही बुक के प्राइसेज बहुत अफोर्डेबल हैं। आप इस बुक को खरीदने के बाद अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में आसानी से पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।